पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर गांव में आयोजित कार्यक्रम में संगठन से किसी कार्यकर्ता के नहीं पहुंचने से आहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा फेसबुक पर पोस्ट किया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अभिन चौधरी ने कहा कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर गांव में शहीदों के परिजनों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि संगठन की ओर से इस कार्यक्रम में कोई नहीं आया, इससे आहत होकर उन्होंने जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष से पूछकर रखा गया था, बावजूद कार्यक्रम में संगठन से कोई नहीं आया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जाने से रोकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इस्तीफे की प्रति फेसबुक पर पोस्ट की और कहा कि पद से इस्तीफा दिया है, संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे। कांग क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो किसान मोर्चे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये मैंने पार्टी में मैं जिले का उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी का साधारण सदस्य मैं बना रहूंगा और सक्रिय सदस्य मैं पार्टी का हूँ, लेकिन जिले के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि मैंने एक कार्यक्रम अपने गांव में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, उनके जन्मदिवस पर, जिसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, इस देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के बेटे, जवानों के परिजनों का सम्मान समारोह का आयोजन रखा था, जिसमें मैंने अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से और पार्टी के अन्य नेताओं से बात करने के बाद ही कार्यक्रम रखा था। दुख इस बात का हुआ, अफसोस इस बात का है कि एक भी व्यक्ति मेरे संगठन का, जिस संगठन में मैं काम करता हूं, उस कार्यक्रम में नहीं आया। और क्षेत्रीय विधायक ने विशेष रूप से लोगों को, संगठन के लोगों को मना किया, उन पर दबाव बनाया, प्रभाव बनाया और आने से रोका। तो इस बात का मुझे बहुत कहीं ना कहीं अफसोस था, खेत मतलब दुख था, दर्द था। इस नाते मैंने संगठन के पद से इस्तीफा दिया, पार्टी में बना रहूँगा। क्या लगता है कि क्या जो पार्टी के ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, या फिर नेताओं के या आपसी मतभेद कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है? देखो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। मैंने एक अच्छा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किया था और इसलिए किया था कि जिससे कि आने वाले हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको प्रेरणा मिले, इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिले और वो भी आर्मी में देश की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएं और देश के लिए अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया इस कार्यक्रम में? कोई नहीं आया, मैंने आपसे जैसे पहले बताया, कोई आया नहीं। देखिए, जैसे जहाँ तक प्रदेश और देश की सरकार की बात है, तो मैं बहुत निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ लगता, खामियाँ कहाँ रह जाती हैं, कहीं नज़र आती हैं आपको खामियाँ कहीं? देखिए, तो खामियों की जहाँ तक बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं बड़े स्तर की बात नहीं, मैं तो छोटे से स्तर का नेता हूँ, जिले स्तर पर संगठन में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जिम्मेदारी, हम लोग को पार्टी ने जो विश्वास किया है संगठन के लोगों पर, निचले स्तर पर जो विश्वास किया, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चूक कर रहे हैं, जिसके कारण से पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।